All right, so bacho, welcome back to our YoYo Bio. We are talking about this chapter, Human Health and Disease. इस लेक्चर में देखो एकदम स्टार्ट में हमने कुछ इन्फेक्शन के बारे में पढ़ा था, जहां हमने एकदम स्टार्टिंग में टाइफॉइड कवर किया था. फिर उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा था मलेरिया. फिर हम गए थे इसके नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हमने बहुत सारे छोटे छोटे डिजीज कवर किए. टाइटल्स बोलता हूँ, एक बार फोकस करिएगा सब लोग. पहले था कॉमन कोल्ड बेटा, उसके बाद निमोनिया. फिर हम लोग गए थे एक अमीबा की डिजीज पे जिसका नाम है अमीबाइसिस. देन एस्कैरिस की डिजीज थी एस्कैरियासिस. फाइलेरियल वर्म दैट वाज फाइलेरियासिस. फिर हमने एक स्किन इंफेक्शन पढ़ा था दैट वाज रिंग वर्म विच इज कॉज बिकॉज ऑफ फंगस. एंड देन सबसे मेन डिजीज पढ़ा था दैट वाज कैंसर. अभी आज के क्लास में बच्चों हमारा टॉपिक सिर्फ और सिर्फ इम्यूनिटी से रिलेटेड होगा. यानी आज के क्लास में हम लोग हमारा बॉडी फाइट कैसे करता है अलग अलग जर्म्स के साथ, सिर्फ उस बारे में डिस्कस करेंगे. सो आवर टॉपिक फॉर टुडे इज इम्यूनिटी. इम्यूनिटी जो है ना, ये वेस्टर्न कंट्री का ओरिजिनल वर्ड है इम्यूनिस. इम्यूनिस का मतलब होता है एग्जेम्प्ट और फ्रीडम. Now, whenever we say exempt or freedom, that means freedom from microorganism. बहुत मस्त conceptual topic है जहां हम लोग ये सीखेंगे कि हमारा body fight कैसे करता है, किस तरह के infection में किस तरह के antibodies आते हैं. Routinely जो हम लोग देखते हैं कि जैसा चोर वैसा पुलिस. अब मान लेते हैं suppose for example अगर terrorist आता है, so do you think वो हवलदार डंडा लेके लड़ पाएगा उससे बेटा? अच्छा, अब एज अगेंस्ट दैट आपको एंटी टेररिस्ट स्क्वाड लगेगी. और सपोज फॉर एग्जांपल अगर मंडप के बाहर से चप्पल चोरी हो जाए तो उसके लिए आपको कमांडोज की जरूरत है क्या बेटा? सो ये बॉडी का ऐसा मस्त मैकेनिज्म है. मतलब आज की क्लास क्या मालूम है, जैसा इंफेक्शन वैसा एंटीबॉडी बनेगा, वैसा WBC बनेगा बेटा. सेकेंड, ये लेक्चर के एंड में आपको क्या सीखने मिलेगा, ये लेक्चर के एंड में आपको ये पता चलेगा कि वैक्सीन का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, वैक्सीनेशन क्या होता है और इम्यूनाइजेशन क्या होता है. फिर हमको यह पता चलेगा कि अगर कोई भी ऑर्गन डोनेशन सर्जरी करवाता है, किसी ने ऑर्गन डोनेट किया किसी और के बॉडी में ट्रांसप्लांट किया, तो सर्जरी कब सक्सेसफुल होती है कब फेल होती है, यह सब इम्यूनिटी पे बेस्ड होता है. हमारे बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री को रोकने के लिए क्या क्या बंदोबस्त है वो पूरा इसमें डिस्कस करेंगे. सो वन वर्ड प्लीज रिमेंबर, आज का क्लास सिर्फ इम्यूनिटी से रिलेटेड है. ओके, अब इम्यूनिटी जो है ना बेटा, इसके टोटल दो टाइप. फर्स्ट टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एज इननेट इम्यूनिटी, वेयर इज बेटा द सेकेंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एज अक्वायर्ड इम्यूनिटी. इननेट इम्यूनिटी का दूसरा नाम है इनबॉर्न इम्यूनिटी. यानी भगवान ने हमको जन्म से कुछ ऐसे स्ट्रक्चर या फंक्शंस दिए होते हैं जो हमारे बॉडी को डिफेंड करते हैं जन्म से. और अक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑपोजिट है. अक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है आफ्टर बर्थ इम्यूनिटी. अब ये कैसा है, ये बीमार पड़ पड़ के हमारे शरीर को आदत हो जाती है और हमारा बॉडी हैबिचुएटेड हो जाता है और हमारी इम्यूनिटी इंप्रूव होती है. एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल लेट से वेस्टर्न कंट्री से अमेरिका से एक गोरा चाचा इंडिया आया घूमने. अब जब भी हम लोग ये टूरिस्ट जब भी हम लोग ये टूरिस्ट को देखते हैं, ओके, तो ये लोग देखो अपना है ना बिस्लरी का पानी का बॉटल लेके घूमते हैं. यस और नो बेटा? अब मान लेते हैं सपोज फॉर एग्जांपल आप ना इनमें से किसी को भी ना एक काम करना, कहीं का भी घर का या कहीं का हैंडपंप का या नल का पानी पिला देना है. ठीक है, उनको बोलना तू बिस्लरी का पानी नहीं पीने का, जो पानी हम लोग पीते हैं वही पानी तुम पीने का. ठीक है, फिर आप उसको है ना 2 से 5 दिन ऑब्जर्व करना. उसको या तो बुखार आ जाएगा, या तो उसको वॉमिटिंग चालू हो जाएगी, या तो उसको लूज मोशन चालू हो जाएगी. क्या रीजन होगा इसका?
हाँ वो हैबिचुअल नहीं है इस पानी को, क्योंकि पानी के अंदर जर्म्स तो होंगे, करेक्ट ना बेटा? इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, समझ रहे हो ना बेटा? सो कैसा कि आजू बाजू सब जगह जर्म्स है, हम लोग के लिए सब मेहमान है, अतिथि देवो। हाँ अब क्या होता है ना, ये जर्म्स हमारे बॉडी में इतना एंट्री मार चुके हैं ना कि हमारे बॉडी को उसकी आदत है, यानी रूटीनली हम लोग जो कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो हमको उसकी आदत है। अब वो लोग जिस कल्चर के हिसाब से, जिस क्लीनिनेस के हिसाब से रहते हैं, उनका बॉडी सेंसिटिव है, हमारा बॉडी बार बार ये जर्म्स की आदत डाल डाल के रेजिस्टेंट हो गया। सो सपोज फॉर एग्जाम्पल कि हमने अगर कोई वाटर या फिर फूड कंज्यूम किया, हम लोग रोड साइड से खाना खा लेते हैं, तो उसमें अगर कोई बैक्टीरिया है तो बॉडी को उसकी आदत पड़ चुकी है। ओके रितिका बकवास मत। सो पॉइंट ऐसा है कि अल्टीमेटली बॉडी को उसकी आदत हो जाती है बेटा। सो उनको इस बात की आदत नहीं है ना, उनका बॉडी तो सिंपल है, तो लोग थोड़ा भी यहाँ का खा पी लेते हैं तो तुरंत बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके बॉडी में अल्टीमेटली एंटीबॉडीज बनते ही नहीं। सेम सपोज फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अब तुम अगर वेस्टर्न कंट्री में जाते हो, ओके, और यहां से अच्छे क्लाइमेट और एनवायरमेंट में रहते हो, तो तुमको वहां पे कंफर्टेबल फील होगा बेटा, समझ रहे हो? ओके तो ये सब कुछ बेस्ड है, कुछ कुछ सेटअप भगवान ने जन्म से दिया है और कुछ कुछ सेटअप जो है ना वो हम लोग को पैदा होने के बाद बीमार पड़ पड़ के आदत पड़ती है। अब जो जन्म से है, इस इम्यूनिटी को हम लोग बोलेंगे नॉन अडैप्टिव। का मतलब ये इम्यूनिटी है ना अडैप्ट नहीं करती, एडजस्ट नहीं करती है, जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी, चाहे कोई भी इंफेक्शन हो ये उसी तरीके से काम करेगी। अक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसको क्या बोलना चाहिए बेटा? अडैप्टिव, यानी ये कंडीशंस के अनुसार चेंज होगी बेटा और इंप्रूव होगी। नेक्स्ट एक और नाम, इननेट इम्यूनिटी को नॉन स्पेसिफिक भी बोलते हैं बेटा। अब नॉन स्पेसिफिक यानी कैसा मालूम है? जैसे जन्म से भगवान ने हमको स्किन दिया, अब स्किन क्या कर रहा है? सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रिवेंट कर रहा है, तो स्किन ये नहीं देखेगा कि बैक्टीरिया है तो इसको रोक लेता हूं, फंगस है तो इसको जाने देता हूं, नहीं ऐसा नहीं। स्किन नॉन स्पेसिफिक है, वो सभी को रोक रहा है, चाहे डर्ट हो, डस्ट हो, बैक्टीरिया हो, फंगस हो, वो सबके लिए एक बैरियर, एक कवच का काम कर रहा है। ओके सो दैट इज नॉन स्पेसिफिक। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसी होगी? हाँ ये स्पेसिफिक होगी, इतना याद करो बेटा। देखो चार टाइटल वहां, चार टाइटल यहां। इम्यूनिटी के दो टाइप, रिपीट करो, नंबर वन इननेट, यहाँ पे नंबर वन इननेट का दूसरा नाम अक्वायर्ड का दूसरा नाम इननेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन स्पेसिफिक एंड दिस इज स्पेसिफिक। ओके अब ना बेटा नेक्स्ट पार्ट में सिर्फ टाइप और उसके अंदर के टाइप्स इसी पे फोकस करते हैं। इननेट इम्यूनिटी में जन्म से भगवान ने हमको चार तरह के बैरियर दिए हैं। इंग्लिश वर्ड बैरियर का मतलब होता है रोधक, समथिंग दैट विल ब्लॉक। ओके तो ऐसे भगवान ने हमको चार बैरियर दिए। पहले बैरियर का नाम है, टाइटल होगा फिजिकल बैरियर। इसको बहुत सी बुक्स में एनाटॉमिकल बैरियर भी बोलते हैं। फिजिकल बैरियर का मतलब यह है कि अगर कोई भी बैक्टीरिया आपके बॉडी में घुसता है तो भगवान ने आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिए हैं जो इसको रोकने की कोशिश करते हैं। और इन स्ट्रक्चर में सबसे कॉमन और सबसे बेस्ट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगा स्किन। स्किन सबको रोकने की कोशिश करेगा। अब स्किन हमारे बॉडी में सब तरफ से कवर करके रखा है एक्सेप्ट ओपनिंग, जैसे आईज, नॉस्ट्रिल्स, माउथ, ईयर्स एंड रिप्रोडक्टिव ओपनिंग। ओपनिंग के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको वो पार्ट रेडिश पिंक कलर का नजर आएगा, क्योंकि उस पार्ट को हम लोग बोलेंगे म्यूकस मेम्ब्रेन। क्या बोलना है बेटा? म्यूकस मेम्ब्रेन। ओके तो स्किन पहले आपके जर्म्स को रोकने की कोशिश करेगा, अगर उससे नहीं रुक पाया और ओपनिंग में
और जर्म्स ने ओपनिंग के थ्रू एंट्री किया ना बेटा, तो स्टिकी स्टिकी म्यूकस निकलेगा और म्यूकस क्या करेगा, इन जर्म्स को पकड़ने की कोशिश करेगा। जैसे अगर नॉस्ट्रिल से कोई इंफेक्शन जा रहा है तो हेयर है और हेयर के साथ साथ म्यूकस मेम्ब्रेन का म्यूकस, ये दोनों उसको रोकने की कोशिश करते हैं। बट कभी कभी कोई कोई इंफेक्शन इन दोनों को पार करके अंदर चले आते हैं। फिर हमारे बॉडी का नेक्स्ट बैरियर काम करता है, ए और बी इसी का टाइप है, नंबर टू लिखता हूं बेटा। अब नेक्स्ट बैरियर को हम लोग बोलेंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर। वही टाइमर चल रहा है कि स्टार्ट से? वही टाइमर शायद से स्क्रीन बंद होता है पर रिकॉर्डिंग चालू रहता है। अच्छा अच्छा, पावर सेविंग मोड। ओके ओके फाइन, चलो ठीक है। सो नेक्स्ट बैरियर का नाम है फिजियोलॉजिकल बैरियर। क्या नाम है बच्चों? फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल का मीनिंग लेना है फंक्शन। क्या मीनिंग लेना है इसका? ओके सब लोग ध्यान दो यहां पे। एनाटॉमिकल का मीनिंग हमने लिया था स्ट्रक्चर। तो अगर आप जैसे मान लेते हैं फिजी हो गए बट वो सेकंड सीख रहा है, सेकंड चालू है ना, हाँ तो शायद ठीक है, स्क्रीन ऑफ हो रहा होगा, देख लेते ठीक है। अब स्ट्रक्चर का मतलब कैसे होता है, जैसे आप मान लो सपोज फॉर एग्जांपल आप जबरदस्ती किसी के घर में घुसपैठ कर रहे हो, तो पहले तो जो बाउंड्री है, जो घर का जो फेंस है वो रोकने की कोशिश करेगा, करेक्ट है? बिल्डिंग का जो गेट है वो रोकने की कोशिश करेगा। तो ये सब कैसे हो गया बेटा, ये फिजिकल बैरियर की तरह हो गया, यानी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन रोकने की कोशिश कर रहा है। बट फिर भी मान लेते कोई अगर दीवार कूद के आ गया या खिड़की से आ गया, तो ये सब तो ओपनिंग है, जैसे बॉडी के ओपनिंग से जर्म्स एंट्री मारने की कोशिश करते हैं। तो अगर ओपनिंग से वो एंट्री मारने की कोशिश कर रहे हैं तो बॉडी फिर क्या करता है, अंदर ही अंदर अपना फंक्शन चेंज करता है और उन जर्म्स को अनकंफर्टेबल फील करवाने की कोशिश करता है। कैसे? यहां देखो, नंबर वन, बॉडी सबसे पहले अपना टेम्परेचर खुद ही बढ़ाता है बेटा। और बॉडी जब टेम्परेचर बढ़ाता है उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं फीवर। फीवर का हाइफंडू नाम है पायरेक्सिया। क्या नाम है बच्चों? पायरेक्सिया। अच्छा, केमिस्ट्री में भी पायरो, पायरोलाइसिस, ओके, हीट के प्रेजेंस में आप तोड़ रहे हो, उस प्रोसेस को बोलते हैं पायरोलाइसिस। पायरेक्सिया, पायरो वर्ड किधर भी देखोगे ना उसका मीनिंग होता है हीट। तो अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इसको हम लोग बुखार बोलते हैं। बट अब तुम साइंस स्टूडेंट हो, तुम आज के बाद बुखार, ताप, फीवर बोलने का नहीं, क्या बोलने का? पायरेक्सिया। सामने वाले को लगना चाहिए ना नया बीमारी आया। ओके सो ये वर्ड याद रखना। इसका टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ये बहुत बार सिखाया मैंने, 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फारेनहाइट, याद कर लो, 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फारेनहाइट। टेम्परेचर से अगर कोई जर्म नहीं रुका ना तो बॉडी क्या करता है, जैसे स्टमक, स्टमक क्या करेगा बेटा, स्टमक छोड़ेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उसको मारने की कोशिश करेगा। मान लो कोई इंफेक्शन अगर आपकी आंखों से एंट्री मार रहा है, सो टीयर ग्लैंड से टीयर प्रोड्यूस करेंगे बेटा, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा प्रोड्यूस करेंगे। टीयर और सलाइवा के अंदर एक स्पेशल केमिकल होता है जिसको बोलते हैं लाइसोजाइम। क्या बोलते हैं बेटा? लाइसोजाइम। हाँ, लाइसोजाइम ये क्या करता है, ये सारे बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करता है, याद रखना लाइसोजाइम। अच्छा, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके साथ साथ इनमें एक स्पेशल तरह का फाइटिंग प्रोटीन होता है जिसको IgA बोलते हैं, इम्यूनो ग्लोब्यूलिन अल्फा। क्या फुल फॉर्म है? इम्यूनो ग्लोब्यूलिन अल्फा। इम्यूनो ग्लोब्यूलिन ये एक तरह का एंटीबॉडी है, इस पे थोड़ी देर में हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो ये एंटीबॉडी यूजुअली फाइट करता है बेटा। नेक्स्ट, अगर फंक्शन से भी काम नहीं चला फिर हमारा थर्ड बैरियर काम करता है जिसको बोलते हैं सेल्यूलर बैरियर।
बैरियर मार्क करते जाते बेटा, पहला था फिजिकल बैरियर, सेकंड था फिजियोलॉजिकल बैरियर, और थर्ड क्या बेटा, यानी अब आपके बॉडी के सेल्स फाइटिंग करेंगे, कौन से वाले सेल्स, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी में एक डब्ल्यूबीसी बहुत जबरदस्त फाइटिंग करता है, इसका नाम है न्यूट्रोफिल, क्या नाम है, न्यूट्रोफिल का दूसरा नाम है PMNL, बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, एनसीईआरटी में दिया है, दिस स्टैंड्स फॉर पॉली मॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड, रट्टा मत मारना, सब लोग ध्यान से सुनो, ये जो न्यूट्रोफिल नाम का डब्ल्यूबीसी होता है, इसके न्यूक्लियस के बहुत सारे टुकड़े होते हैं बेटा, कम से कम 2 से लेकर 6 लोब्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, सो न्यूक्लियस के मल्टीपल अपियरेंस नजर आते हैं, इसलिए पॉलीमॉर्फो, मॉर्फो इज एक्सटर्नल अपियरेंस, पॉली यानी बहुत सारा, और न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियस, और ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी, सो न्यूट्रोफिल का ही दूसरा नाम है पॉली मॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। अब ये और इसके साथ मिलके एक और सेल है जिसका नाम है मोनोसाइट, और एक सेल है जिसका नाम है नेचुरल किलर सेल, ये मैंने तुमको सिखाया है, ये टी सेल का ही एक टाइप है बेटा, ओके, टी सेल में किलर सेल होता है, इसका काम है कि ये जर्म्स को मारता है बेटा, सो ये लोग तीनों मिलके हमारे ब्लड में घूम रहे होते हैं, और एक सेल है जिसका नाम है मैक्रोफेज, बट मैक्रोफेज क्या करेगा, ब्लड में नहीं घूमेगा, ये टिश्यू के अंदर ही रहता है बेटा, तो चाहे न्यूट्रोफिल हो, मोनोसाइट हो, या नेचुरल किलर सेल हो, या मैक्रोफेज हो, इन सब का काम है टू किल द जर्म बेटा। पुलिस दो तरह की, एक जो पुलिस स्टेशन में बैठा है, और एक जो गली गली घूम के पेट्रोलिंग कर रहा है, सो जो ब्लड में है वो तो सर्कुलेट होगा पूरे बॉडी में, और जो टिश्यू में है वो एक ही जगह पे रुकेगा, बट दोनों का काम है डिफेंस, यानी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, ओके, सो दैट इज सेल्यूलर बैरियर, ओके, फर्स्ट देखो बेटा, फर्स्ट था फिजिकल बैरियर, सेकेंड था फिजियोलॉजिकल बैरियर, थर्ड है सेल्यूलर बैरियर, एंड फोर्थ इज कॉल्ड एज इंफ्लेमेटरी बैरियर, अब यहां देखो बच्चों, अगर आपके बॉडी में कोई बैक्टीरिया आया है, तो बैक्टीरिया से लड़ने के लिए एंटीबॉडी आएगा, शॉर्ट फॉर्म में एबी लिखते हैं, इसी एंटीबॉडी का दूसरा नाम है इम्यूनो ग्लोब्यूलिन, इम्यूनो ग्लोब्यूलिन, इसको शॉर्ट फॉर्म में आईजी लिखते हैं, ये मेन में मेन सिर्फ बैक्टीरिया से लड़ेगा बेटा, बट एक और केमिकल है जिसका नाम है इंटरफेरॉन, क्या नाम है बच्चों, इंटरफेरॉन बैक्टीरिया से नहीं लड़ता है, ये किससे लड़ता है, वायरस से लड़ता है बेटा, एक्चुअली में हमारे बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा है कि जब भी बॉडी में कोई वायरस एंट्री करता है तो वायरस इंफेक्टेड सेल ना इंटरफेरॉन नाम का केमिकल छोड़ देता है, और ये इंटरफेरॉन क्या करता है, बाकी के जो सेल्स हैं उनको कवर कर देता है ताकि उनमें वायरस का इंफेक्शन नहीं होना चाहिए, इंटरफेरॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द नॉन इंफेक्टेड सेल्स फ्रॉम वायरल इंफेक्शन, ओके, लास्ट, किसी भी तरह का अगर जर्म्स आपके बॉडी में आया तो जर्म्स की वजह से आपके बॉडी में सूजन आएगी बेटा, सूजन को हम लोग इंफ्लेमेशन बोलते हैं, इंफ्लेमेशन में 4 इंपॉर्टेंट चेंजेस देखोगे, नंबर 1 रेडनेस,
नंबर टू स्वेलिंग, नंबर थ्री हीट एंड नंबर फोर पेन। किसी भी पार्ट में अगर सूजन है तो वो पार्ट रेड कलर का क्यों दिखेगा? क्योंकि वहां पे ढेर सारे कौन होते हैं? आरबीसी होते हैं बेटा। कोई भी पार्ट में अगर आपको स्वेलिंग दिख रही है तो उसमें क्या जमा होगा? प्लाज्मा जमा होगा। प्लाज्मा यानी ब्लड का पानी वाला हिस्सा। अब वहां पे हीट क्यों होगी? क्योंकि डब्ल्यूबीसी वहां पे फाइट करेंगे बेटा। और पेन इसलिए प्रोड्यूस होता है क्योंकि एक केमिकल निकलता है, यस, जिसका नाम है हिस्टामीन। क्या नाम है बच्चों? हिस्टामीन। इस हिस्टामीन की वजह से पेन भी होता है, कभी कभी इचिंग भी होता है बेटा। ओके, सो दीज आर फोर साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। नंबर वन रेडनेस, नंबर टू स्वेलिंग, नंबर थ्री हीट एंड नंबर फोर पेन। ये पूरा सेक्शन बेटा सिर्फ इसी के अंडर है। अब हम लोग चल रहे नेक्स्ट इम्यूनिटी, इसको मैं वापस से लिखता हूं। कौन सी इम्यूनिटी है बेटा? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो टाइप है। एक्वायर्ड में अगर आपके बॉडी को एनर्जी स्पेंड करना पड़ा तो उसको एक्टिव इम्यूनिटी बोलेंगे, और अगर एनर्जी स्पेंड नहीं करना पड़ा तो उसको पैसिव इम्यूनिटी बोलेंगे। ये ध्यान से सुनना, ये डेंजर पार्ट है बेटा। ओके, एक्टिव इज विद एनर्जी एंड पैसिव इज विदाउट एनर्जी। आपके बॉडी में एक बैक्टीरिया गया, अब बॉडी ने बहुत ताकत खर्चा करके फिर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना, और ये एंटीबॉडी ने उस बैक्टीरिया को मार दिया, तो ऐसी इम्यूनिटी को बोलेंगे एक्टिव, क्योंकि आपके बॉडी का क्या स्पेंड हुआ? एनर्जी। ये समझे? अब मान लेते हैं आपके बॉडी में कोई बैक्टीरिया गया, मैंने आपको एक ऐसा इंजेक्शन मारा जिसमें ऑलरेडी बने हुए एंटीबॉडीज है, और उन एंटीबॉडीज ने उस बैक्टीरिया को हरा दिया, तो क्या ये एंटीबॉडी आपने बनाया? नहीं। तो आपका इसमें एनर्जी स्पेंड हुआ क्या? नहीं। तो ऐसे इम्यूनिटी को क्या बोलेंगे? पैसिव। इतना समझा अच्छे से? एक्टिव और पैसिव का डिफरेंस याद रखना। अगर उस इंफेक्शन से जीतने के लिए आपको ताकत खर्चा करना पड़ा तो एक्टिव, और ताकत नहीं खर्चा करना पड़ा तो पैसिव। अब एक्टिव में दो इंपॉर्टेंट टाइप है, एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। सेम यहां पे कैरी करेंगे, इसका भी फर्स्ट टाइप है नेचुरल और दूसरा होगा आर्टिफिशियल। सो इसको अब ऐसे पढ़ना बेटा, नेचुरल पैसिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पैसिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी। वैसे यहां टाइप क्या बनेगा? नेचुरल एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव और पैसिव का डिफरेंस सब लोग समझ गए, विथ एनर्जी विदाउट एनर्जी। अब इसमें जो नेचुरल वाला है ना, ये कब देखने मिलता है? इसका एग्जाम्पल है एनी इंफेक्शन ऑफ द बॉडी। आपके बॉडी में अगर कोई भी इंफेक्शन हुआ तो आपका बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाएगा उसको मारने के लिए। ओके, सो दैट विल बी नेचुरल एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी। वेर एज आर्टिफिशियल, इसका एग्जाम्पल है वैक्सीनेशन। क्या एग्जाम्पल है? ओके, ध्यान से सुनना, जब भी हम लोग कोई भी वैक्सीन लेते हैं तो वैक्सीन के इंजेक्शन में उसके सिरिंज में जो पानी होता है उस पानी में उसी बीमारी के जर्म्स होते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्यूबरक्लोसिस का वैक्सीन ले दो, सो जो इंजेक्शन डॉक्टर आपको दे रहा है, सोचो अगर ट्यूबरक्लोसिस के लिए दे रहा है ताकि आपको ट्यूबरक्लोसिस ना हो, तो उस इंजेक्शन में ट्यूबरक्लोसिस के ही बैक्टीरिया होते हैं।
या तो मरे हुए होंगे या तो कमजोर होंगे बट जिंदा होंगे। अब कमजोर कैसे कर दिए जाते हैं लेबोरेटरी में? वैक्सीनेशन बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है बच्चों। इसमें क्या किया जाता है, कोई भी बीमारी के खिलाफ अगर लड़ना है ना उसके जर्म्स को पकड़ने का, जैसे सपोज ट्यूबरक्लोसिस, एक चाचा है उसको ट्यूबरक्लोसिस है, तो हम चाचा को बोलेंगे चाचा जरा सलाइवा दो, तो चाचा सलाइवा नहीं देता, तो हम बोले चाचा एक काम करो खांस लो जोर से, चाचा खांसता तो सलाइवा कलेक्ट कर लिया, इसको बोलते हैं सैंपल कलेक्शन। क्या बोलते हैं? सैंपल कलेक्शन। हाँ, हाथ पे नहीं रखा है, ग्लव्स पहना है बेटा। ठीक है, ऐसा देख रहा मारेगा ना। ओके, अब ये लोग क्या करते हैं ना, ग्लास स्लाइड में वो सैंपल को रखते देखते, हाँ इसमें बैक्टीरिया है, फिर बैक्टीरिया को जब लेबोरेटरी ले जाते हैं ना, दिस इज जस्ट लाइक एक चोर को पुलिस स्टेशन ले गए, फिर पुलिस वहां पे इन लोग को जो धोएगा ना, राइट, तो ये साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, अलग अलग पीएच टेम्परेचर की मदद से बैक्टीरिया को कमजोर कर देते हैं। जब बैक्टीरिया हाथ जोड़ लेता है कि साहब और मत मारो, बहुत मार लिया आप लोग, कुछ नहीं करेगा जिंदगी में, तो बोलता है आप तू ट्यूबरक्लोसिस करेगा क्या, बोलता है नहीं नहीं कभी नहीं। ओके, अब ये बैक्टीरिया कमजोर हो गया, तो बोलते हैं वेरी गुड, तो इसको सिरिंज में भर लेते हैं और इसको पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं। अब पेशेंट के बॉडी में जब बैक्टीरिया पहली बार आता है ना, बैक्टीरिया तो कमजोर है, बट हमारे WBC तो उसको पहली बार देखे, तो WBC पहले डर जाता है, ये ट्यूबरक्लोसिस वाला है, पूरा लंग्स फेफड़ा खराब कर देता है, तो WBC भागने लगता है। फिर WBC देखते ही कुछ कर नहीं रहे, ये तो खुद ही परेशान है, एकदम डिप्रेशन में है, तो एक WBC उसके करीब जाने को देखता है, दूसरा WBC बोलता है मज्जा मारेगा, बहुत जोर का मारता है, ये बाहर वाला लोग है, बैक्टीरिया है, तो WBC बोलता है रुकना देखने देना, फिर पास में जाता है उसको हल्के से टपली मारता है, अब भाग के आ जाता है, वो डर जाता है, भाग के आता है, छुप जाता है, सब छुप जाते हैं, सब लोग निकलते बाहर, बोलते कुछ नहीं किया रे, मजा आ गया, चलो वंस मोर। अब धीरे धीरे WBC और आते हैं उनके करीब, अब एक्चुअल आप सोचो ऐसे ही होता होगा कि अब ना है, फिर एक WBC जोर से मारता है उसको, तो उसको बोलता है इतना जोर का मत मार पागल, पलट के मार दिया तो बोलता अरे नहीं मार रहा है, अब सब मारने लगते हैं, तो सब समझ जाते हैं कि ये अब एक्टिवेटेड नहीं डीएक्टिवेटेड है, यानी ये बैक्टीरिया कमजोर हो चुका है, सब उसको मारने लगते। अब WBC क्या करता है ना, वो बैक्टीरिया की स्टडी कर लेता है, इसका सेल वॉल कौन से मटेरियल का बना है, इसका DNA RNA कौन से मटेरियल का बना है, वो सब स्टडी कर लेता है। और तो और अपने छोटे छोटे WBC जो बच्चे रहते हैं ना उनको भी बुला लेते हैं, इधर 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 ऑल दोस्त छोटा मोटा WBC ऑल चाराना अठाना WBC, ये लोग भी आ जाते हैं, बोलते सुनो हमने तुमको क्या सिखाया, तो बच्चा WBC बोलता है पापा आपने बोला है कि हम लोग WBC है, हमारा काम है फाइटिंग करने का, बट आपने बोला है कि वो जो हम लोग WWF देखते हैं ना, प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम, आपस में नहीं लड़ने का, बोलता है वेरी गुड, अब देखो बैक्टीरिया गो ट्राई दिस एट होम, जाओ उसको दो डालो, पूरा हाथ साफ कर लो, वार्म अप कर लो। अब जो इमेच्योर है WBC है वो भी किस में कन्वर्ट होगा, मेच्योर WBC में। तो देखो यही होता है, अब जैसे मान लो आपको वैक्सीन दिया ना, तो आपके बॉडी में कमजोर बैक्टीरिया या तो जर्म्स को डाल दिया जाएगा, फिर आपका WBC उससे लड़ेगा, और आपका WBC पहचान जाता है कि इससे भाई एग्जैक्टली कैसे लड़ना है, यानी फिर स्पेशल टाइप के फाइटिंग सेल्स बनते हैं उसके खिलाफ, इनको हम लोग एंटीबॉडीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, एंटीबॉडीज, और ये एंटीबॉडीज फिर हमारे बॉडी में सर्क्यूलेट होते रहते हैं बेटा, फिर लाइफ लॉन्ग ये हमारे ब्लड में घूमते रहता है, ताकि फ्यूचर में अगर असली का भी कोई बैक्टीरिया आया, पावरफुल बैक्टीरिया भी आया, तो बॉडी को एक्सपेरिमेंट करके ज्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बॉडी को ऑलरेडी मालूम है कि हाँ इस प्रोटीन का बना है ना, इस मटेरियल का बना है ना, बुला हुआ एंटीबॉडी को वो मारेगा इसको, ये समझ रहे हो बेटा। अच्छा, तो एक वैक्सीन होती है लाइव वैक्सीन, जहां पे जर्म्स कमजोर होते हैं पर जिंदा होते हैं, एक वैक्सीन होती है डेड वैक्सीन, डेड वैक्सीन यानी मरा हुआ जर्म्स, तो जैसे इंजेक्शन मारते ना कि बैक्टीरिया की लाश गिरती है, सो WBC देखते हैं अरे ये तो मरा हुआ है, फिर उसको फिर भी मारते हैं, बोलते मारो मजा आएगा, अब WBC का तो काम ही है लड़ने का बेटा, तो मरे हुए को मारते हैं और सीख जाते हैं। कुछ कुछ बैक्टीरिया और वायरस बहुत डेंजरस होते हैं,
तो उसमें हम लोग जिंदा मरा नहीं ले सकते, जैसे कोरोना नया इन्फेक्शन, WBC भी उसके नाम से डरता है, उसमें तुमको मालूम है एक नया इन्फेक्शन आया कोविड नाम का, चीनी लोग साला चमगादड़ खाया उसके वजह से सबको परेशानी हो गया कर दिया, ओके तो अभी ये अगर आया ना तो इससे बच के रहने का। अब कोविड का पूरा वायरस नहीं डालते, अब कोविड का जब भी वैक्सीन लेते हो ना उसका सिर्फ मैसेंजर RNA mRNA डालते, टुकड़ा डालते, ना तो डेड ना तो लाइव, टुकड़ा, यानी ये कैसा है कि अब टेररिस्ट नहीं आया सिर्फ उसकी बंदूक गिरी। तो WBC देखते हैं अरे क्या बंदूक है कैसा चलाते हैं ये वो ऐसा, फिर वो एक दूसरे को बोलते हैं बंदूक लेके ऐसा मारते ना, बोलते ऐसा नहीं मारते गोली निकलता है ठीक है मैकेनिज्म समझ इसका, तो ये लोग स्टडी कर लेते हैं ताकि अब देखो दुश्मन नहीं आ रहा है क्योंकि हमको डाउट है ना अगर वैक्सीन में सही में वायरस डाल दिया, ये वायरस का ज्यादा नॉलेज है नहीं मुझे ठीक है, वायरस अंदर एक्टिवेट हो गया तो ये सही में बीमार हो जाएगा, इसलिए वायरस का टुकड़ा लेते हैं ताकि फ्यूचर में अगर इस तरह का वायरस एंट्री मारेगा ना तो हमको मालूम है इसके ये वाले पार्ट को कैसे तोड़ना है, ये समझे बेटा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीन, बट वैक्सीन में एक बात देखो आपके बॉडी में है ना जर्म्स को डाला जाएगा या तो जिंदा या तो मरा, या तो जर्म्स के टुकड़ों को डाला जाएगा, यानी आपके बॉडी में एंटीजन डाला जाएगा बेटा, एंटीजन इज इंट्रोड्यूस ना, अब उस एंटीजन के खिलाफ आपका बॉडी एंटीबॉडी बनाएगा और ताकत खर्चा होएगा, इसलिए ये किस में आएगा एक्टिव। अब पैसिव वाला देखो, पैसिव में नेचुरल का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ये सिखाया मैंने तुमको कोलोस्ट्रम, क्या नाम है कोलोस्ट्रम। अच्छा जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होती है मदर के ब्रेस्ट से पहला पीला गाढ़ा दूध निकलता है उसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं, रिप्रोडक्शन क्लास में पढ़े हैं ना हम लोग, ओके अच्छा इस दूध में कोई नरिशमेंट होता है क्या नहीं, ये येलो कलर का रहता है व्हाइट कलर का नहीं रहेगा, स्टार्टिंग में येलो कलर का मिल्क निकलेगा इसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं, इससे बच्चे को नरिशमेंट नहीं मिलेगा बट इससे बच्चे को रेडीमेड एंटीबॉडी मिलेगा बेटा। इस कोलोस्ट्रम के अंदर IgA होता है, क्या होता है बेटा इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा, क्या फुल फॉर्म है इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा। अच्छा अब ये रेडीमेड एंटीबॉडी है ये किसने बनाया मदर ने, और बच्चे को रेडीमेड ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू मिला, तो सोचो बच्चे को ताकत खर्चा करना पड़ा क्या नहीं। उसको तो रेडीमेड फाइटिंग सोल्जर्स मिल गए, और ये फाइटिंग सोल्जर्स फिर क्या करेंगे सारे बैक्टीरिया से लड़ेंगे बेटा। नेक्स्ट आर्टिफिशियल वाला, इसका एग्जांपल है इम्यूनाइजेशन, इसका क्या एग्जांपल है बच्चों इम्यूनाइजेशन। अब ये कैसा कॉन्सेप्ट है मालूम है, इसमें भी इंजेक्शन मारेंगे तुमको, वैक्सीनेशन में भी इंजेक्शन मार रहे हैं, इम्यूनाइजेशन में भी इंजेक्शन मारेंगे, बट वैक्सीन का जो इंजेक्शन होगा ना उस इंजेक्शन के पानी में जर्म्स होंगे या तो जर्म्स का टुकड़ा होगा, बट इम्यूनाइजेशन में जो इंजेक्शन होता है उस इंजेक्शन के अंदर एंटीबॉडी होता है, क्या होता है बेटा एंटीबॉडी। अब ये कैसा कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी इंफेक्शन का इलाज नहीं मिल रहा आपने तो उस इंफेक्शन का वायरस या बैक्टीरिया को इंजेक्शन में भर लो फिर उसको जानवर के बॉडी में डाल दो, कॉमन एग्जांपल हॉर्स जिसका इम्यूनिटी ज्यादा है हॉर्स के बॉडी में डाल देंगे, फिर वो हॉर्स को ऑब्जर्व करेंगे कि ये जिंदा रहता है कि मर जाता है, और अगर देखा कि हॉर्स जिंदा है फिर हॉर्स का ब्लड निकालते हैं, तो उसके ब्लड में जो न्यूली फॉर्म्ड एंटीबॉडीज होते हैं उन एंटीबॉडीज को इंजेक्शन में भर लेते हैं और फिर इंसान को देना चालू करते हैं। तो यहां क्या हुआ कि रेडीमेड एंटीबॉडी बनाया किसने हॉर्स ने, और वो एंटीबॉडी बॉडी में डाला ना, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में फर्क समझ रहे, यहां पे आपके बॉडी में एंटीजन को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और आपका बॉडी ताकत खर्चा करके एंटीबॉडी खुद बनाएगा, और यहां इस इंजेक्शन के अंदर ऑलरेडी बनाया हुआ एंटीबॉडी है
जो किसी एनिमल ने प्रोड्यूस किया था और ये आपके बॉडी में आके फाइट करेगा। इतना समझा बेटा? ओके, लॉजिक ये पकड़ के चलना, वैक्सीनेशन कम्स अंडर विच इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजेशन कम्स अंडर, यस, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। एक लास्ट बार रिपीट करते हैं, वैक्सीनेशन कम्स अंडर एक्टिव इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजेशन इज अंडर पैसिव इम्यूनिटी। कोलोस्ट्रम के अंदर कौन सा आईजी है? आईजीए। कौन सा बेटा? आईजीए। परफेक्ट, आगे। अब बच्चों नेक्स्ट कहानी ऐसी है कि अगर कोई इंफेक्शन फर्स्ट टाइम आपके बॉडी में आ रहा है तो आपका बॉडी जब उससे लड़ेगा ना तो उस रिस्पॉन्स को बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं बेटा? प्राइमरी रिस्पॉन्स। और अगर वो इंफेक्शन सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम आपके बॉडी में एंट्री मार रहा है, सो अब मैं लिखूंगा एंटर्स नहीं, दिस इंफेक्शन री एंटर्स। सो अब जो अपना बॉडी लड़ेगा ना इसको बोलते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई है, इसका एक और नाम रखा है एनाम्नेस्टिक रिस्पॉन्स। बोलो बच्चा क्या है ये? एनाम्नेस्टिक रिस्पॉन्स। ओके, सेकेंडरी रिस्पॉन्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनाम्नेस्टिक रिस्पॉन्स। और मैंने अपने एक लेक्चर में तुमको बताया था कि जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होती है, ओके, जब दूसरी बार आपका बॉडी लड़ेगा आपका इंटेंसिटी लड़ने का तरीका बहुत तेज होगा बेटा, और कंपैरेटिवली ये बहुत कम समय लेगा बेटा। सो दिस इज अ शॉर्ट लास्टिंग प्राइमरी रिस्पॉन्स। में मैं लिख नहीं रहा हूं बट आप डायरेक्टली याद रखो कि प्राइमरी रिस्पॉन्स हमेशा लो इंटेंसिटी का होगा एंड इट विल बी लॉन्ग लास्टिंग। समय लगेगा ना, कोई बैक्टीरिया आपके बॉडी में पहली बार घुसा तो आपका डब्ल्यूबीसी परेशान है कि अरे कैसा फाइट करो इससे, क्या किस किस्म का एंटीबॉडी बनाओ। तो इस ट्रायल और एरर में, इस सीखने के चक्कर में 7 दिन बॉडी को बुखार आया, 7 दिन शरीर बीमार। अब वही इंफेक्शन अगर दोबारा आपके बॉडी में आएगा तो 2 दिन में वो इंफेक्शन ठीक हो जाता है। सो प्राइमरी रिस्पॉन्स लंबा होता है, उसको टाइम लगता है बेटा। सेकेंडरी रिस्पॉन्स छोटा होता है, उसको कम टाइम लगता है। आप सोचो जैसे अगर आप कोई न्यूमेरिकल पहली बार कर रहे हो, कोई सम्स आप पहली बार सॉल्व कर रहे हो, तो आपको कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि वो आपका प्राइमरी रिस्पॉन्स है। बट वही सम, सेम टू सेम सम अगर आप वापस कर रहे हो तो कम टाइम लगेगा। सो सेकेंडरी रिस्पॉन्स कैसा होगा बच्चों? शॉर्ट लास्टिंग। और इसमें जब लड़ाई होगी तो उसकी इंटेंसिटी कैसी होगी? हाई इंटेंसिटी। इतना याद हुआ? ओके, शॉर्ट में एक बार समरी लेते हैं। देखो किस तरह से क्लासिफिकेशन चल रहा है। हमारा आज का टॉपिक क्या बना? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के 2 टाइप बेटा, जो जन्म से है वो इननेट, और जो पैदा होने के बाद हम सीखते हैं वो अक्वायर्ड। क्योंकि ये जन्म से इसलिए इसका दूसरा नाम, इसका इसका नेक्स्ट नाम, और इसका नाम अडैप्टिव और स्पेसिफिक। अच्छा, इसमें आपने 4 बैरियर पढ़े, ओके, पहले बैरियर का नाम है फिजिकल, दूसरे का नाम है फिजियोलॉजिकल, तीसरे का नाम है सेलुलर, और चौथे का नाम है इंफ्लामेटरी। नोटिस, फिजिकल का दूसरा नाम है एनाटॉमिकल, यानी स्ट्रक्चर रोकने की कोशिश करता है। फिजियोलॉजिकल का दूसरा नाम है फंक्शनल, यानी फंक्शन रोकने की कोशिश करता है। सेलुलर का दूसरा नाम आप सेल भी बोल सकते हो, क्योंकि एक एक सेल डब्ल्यूबीसी फाइट करेगा बेटा। और इंफ्लेमेटरी का एक हाइफंडू नाम भी बोल सकते हो, साइटोकाइन। साइटोकाइनिन केमिकल होते हैं, जैसे बॉडी एंटीबॉडी बनाएगा इंटरफेरॉन नाम के केमिकल बनाएगा। सो इंफ्लेमेटरी बैरियर इज ऑल्सो कॉल्ड साइटोकाइनिन बैरियर। अब ये चारों भी बैरियर सिर्फ इसी के अंदर, फिर हमने इसको वापस से क्लासिफाई किया एज एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव में 2 टाइप, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल का एग्जांपल एनी इंफेक्शन, आर्टिफिशियल का एग्जांपल मेन वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में डिफरेंस देखा।
इसमें एंटीजन डाला जा रहा है बॉडी में और इसमें एंटीबॉडी डाला जा रहा है बेटा। नेक्स्ट, यहां नेचुरल का एग्जांपल है कोलोस्ट्रम, कलर क्या येलो, इसके अंदर कौन सा आई जी होगा, आई जी ए इम्यूनो ग्लोब्यूलिन अल्फा। फिर हमने देखा इम्यूनिटी का दो रिस्पॉन्स है, प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स। सेकेंडरी रिस्पॉन्स का एक और नाम मौत, अब रुक जा, एनाम्नेस्टिक रिस्पॉन्स। बोलिए बच्चों, ओके आगे बढ़ते। नेक्स्ट, इसी एक्वायर्ड इम्यूनिटी को और दो तरीके से डिवाइड किया जाता है बच्चों। पहला तरीका तो ये है, अब दूसरा तरीका देखते हैं बेटा। इसमें दो टाइप पड़ेंगे, इसमें एक होता है जिसको सी एम आई बोलते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। फुल फॉर्म बोलिए बच्चों, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और दूसरा होता है एच आई, इसका फुल फॉर्म है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। क्या फुल फॉर्म है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। सेट करो दिमाग में, सी एम आई क्या है बेटा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और एच आई क्या है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ओके, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, दिस इज जस्ट लाइक लेट्स से बेटा एयरफोर्स एंड नेवी, लड़ने का स्टाइल अलग अलग है। ओके, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में जो सेल्स मेन में मेन फाइटिंग करेंगे वो होंगे कौन से सेल्स, टी सेल्स, और इसमें जो सेल्स मेन में मेन फाइट करेंगे वो क्या होंगे, बी सेल्स। ओके, टी सेल्स को टी लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं, उसी प्रकार बी सेल्स को बी लिम्फोसाइट्स भी बोल सकते हैं बेटा। मैंने तुम सबको ये सिखाया है कि इसको टी क्यों बोलते हैं, कहां मेच्योर हो रहा है, और इसको बी क्यों बोलेंगे, कहां मेच्योर हो रहा है, बोन मैरो। बच्चों ये आपको याद है ना, थाइमस ग्लैंड इज सिचुएटेड अबाउ द हार्ट एंड दिस ग्लैंड विल डीजेनरेट आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद ये सड़ने लगता है और मरने लगता है। बोन मैरो, लॉन्ग बोन्स के अंदर, हड्डी के अंदर जो नरम मटेरियल होता है उसको बोन मैरो बोलते हैं। सो बोन मैरो के अंदर बी लिम्फोसाइट्स का ट्रेनिंग होता है और थाइमस के अंदर टी लिम्फोसाइट्स का ट्रेनिंग होता है। दोनों लड़ाकू सेल्स हैं और दोनों का लड़ने का स्टाइल अलग अलग है। टी लिम्फोसाइट का तरीका मैंने तुमको सिखाया है, चेक करो। टी लिम्फोसाइट्स में मैंने तुमसे कहा था एक होता है टी हेल्पर सेल, याद है ना बेटा, दूसरा होता है टी किलर सेल, तीसरा बताओ टी सप्रेसर, बहुत अच्छे बेटा, और आखिरी वाला मेमोरी, वेरी गुड, टी मेमोरी सेल्स। इसमें से मेन में मेन मारने का काम कौन करता है, अच्छा सबसे पहले बैक्टीरिया से इंटरैक्ट कौन करेगा, अच्छा हेल्पर जब मर जाता है तो वो लिम्फोकाइन नाम का केमिकल छोड़ता है बेटा, कौन सा केमिकल छोड़ता है, लिम्फोकाइन। अच्छा किलर सेल का दूसरा नाम है साइटोटॉक्सिक सेल, क्या नाम है, साइटोटॉक्सिक सेल, क्योंकि बाकी सेल के लिए हानिकारक है ये साइटोटॉक्सिक। और ये सेल एक केमिकल छोड़ता है जिसका नाम है परफोरिन, क्या नाम है बेटा, परफोरिन। किलर सेल इतना पागल है ना कि एक बार लड़ना चालू करता है तो रुकता है क्या, नहीं, ये बैक्टीरिया के साथ साथ नॉर्मल सेल्स को भी मारता है बेटा, बराबर है। इसलिए इसको शांत करने के लिए अगला सेल बना है सप्रेसर, जो किलर को शांत करता है। और फिर लास्ट में उस इन्फेक्शन को मेमोराइज कौन करता है, ये उसको याद रखता है। और मेमोरी सेल्स ना इस इन्फेक्शन को अगली बार आने पे बहुत कम समय पे निपटा देता है बेटा, दैट इज सेकेंडरी रिस्पॉन्स। अच्छा ये स्टाइल तो हमने देखा है, बी लिम्फोसाइट्स का स्टाइल देखते हैं। बी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं ना, ये लोग बनाते हैं एबी, एबी यानी एंटीबॉडी, आप इसको आईजी भी बोल सकते हो, आईजी यानी इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन।
नेक्स्ट पार्ट में ना सिर्फ आईजी का शॉर्ट नोट कराऊंगा विद डायग्राम, थियरी पेपर का फेवरेट क्वेश्चन है. ओके, राइट अ ब्रीफ आंसर ऑन इम्यूनोग्लोबुलिन विद डायग्राम, वो अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. अभी खाली शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म पे फोकस करो कि एबी मतलब एंटीबॉडी और इसी का दूसरा नाम है आईजी यानी इम्यूनोग्लोबुलिन. अब ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग सबसे पहले इन्फेक्शन को ध्यान देना, सब लोग इन्फेक्शन का ऑप्सोनाइजेशन करते हैं. क्या करते हैं बेटा? ऑप्सोनाइजेशन करना यानी इन्फेक्शन को चारों तरफ से घेर लेना. सेकंड, उसके बाद ये लोग इन्फेक्शन को जाके चिपकते हैं, इसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन. क्या बोलते हैं? एग्लूटिनेशन. थोड़ा केमिस्ट्री के लैंग्वेज में लिखता हूं, इसका मीनिंग है पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट. ठीक है, तो चोर यानी बैक्टीरिया, पुलिस यानी एंटीबॉडी. तो ये पुलिस पहले चोर को घेर लेगी, दैट इज ऑप्सोनाइजेशन. फिर ये लोग सब उसको अटैक करते हैं एंड एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और प्रेसिपिटेट होते हैं. तो जब ये एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं ना, उसको एग्लूटिनेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एग्लूटिनेशन. और फिर एंटीबॉडी पूरी कोशिश करता है कि इनके पास जो केमिकल है उसका ऑपोजिट केमिकल छोड़ के कौन सा रिएक्शन करवाना है? न्यूट्रलाइजेशन. क्या करवाना है बेटा? न्यूट्रलाइजेशन. ओके, चलो अब ये दिमाग में सेट करो, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में सिर्फ टी लिम्फोसाइट्स लड़ेगा, ह्यूमोरल इम्यूनिटी में बी लिम्फोसाइट्स लड़ेगा. इनका लड़ने का स्टाइल है, इनके पास चार तरह के सेल्स है. इनका लड़ने का स्टाइल है कि ये लोग एंटीबॉडी बनाएंगे, पहले कवर कर लेंगे, घेर लेंगे, फिर उससे जुड़ेंगे और फिर ऑपोजिट केमिकल छोड़ के उसको मार डालेंगे. समझा बेटा? ओके, नीड स्टूडेंट्स एक स्पेशल एमसीक्यू. ग्राफ्ट रिजेक्शन. जब भी कोई ट्रांसप्लांट सर्जरी होती है, जैसे मान लेते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन, तो भाई किसी का किडनी किसी और के बॉडी में डाला, तो जो किडनी डाले ना इसको ग्राफ्ट बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह का किडनी ग्राफ्टिंग किया मैंने. वैसे ही मान लेते हैं किसी पे अगर एसिड अटैक हुआ है, तो किसी और का स्किन निकाल के किसी और के बॉडी में लगा सकते हैं, इसको स्किन ग्राफ्टिंग बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? ओके, सो कई बार ऐसा होता है ना कि पेशेंट के बॉडी में जैसे ही मैंने किडनी डाल दिया, अब उसके WBC पहचान जाते कि ये किडनी तो है पर ये अपने बॉडी का नहीं है. जैसे मान लो अगर आप सब किसी दफ्तर में किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, ठीक है, अब उस ऑफिस का एक मेंबर गायब है, अब उसके बदले दूसरे दिन कोई फॉरेनर आ गया, तो आप लोग पहचान जाओगे कि ये ऑफिस वाला तो है पर ये अपना दोस्त नहीं है. करेक्ट? तो तुम उसको टपली मारेगा ना, परेशान करेगा, न्यू मेंबर है बेचारा. सेम होता है, WBC पहचान जाता है कि ये किडनी तो है पर ये देसी नहीं है, विदेशी. दैट मींस इट डजंट बिलोंग टू द सेल्फ बॉडी, इट इज अ नॉन सेल्फ बॉडी, किसी और के बॉडी का. तो WBC फाइट करते उसके खिलाफ और वैसे एकदम हाई वर्जन के ऑपरेशन को फेल कर देते, उस किडनी को डिस्ट्रॉय कर देते. ऐसे ही स्किन ग्राफ्टिंग में भी होता है बच्चों, अगर किसी और का स्किन किसी के बॉडी पे डाला ना, तो WBC उस स्किन को मार मार के पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता, फिर उस स्किन से ना ब्लड निकलने लगता है, पस निकलने लगता है. अब आपको ये याद रखना है कि ऐसे टाइम पे जब भी ग्राफ्ट को मारा जाता है और उसको रिजेक्ट करवा दिया जाता है, तो ऐसे टाइम पे ह्यूमरल इम्यूनिटी नहीं मार रहा है उसको, कौन मारता है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. यानी ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए बी लिम्फोसाइट्स का कोई लेना देना नहीं है उससे. कौन लड़ाई करेगा? टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स लड़ेगा. मेरी बात समझिए अच्छे से, ये नीट में पूछा हुआ है, 3 से 4 साल के पहले के पेपर में ये आया हुआ है, सेम लाइन टू लाइन NCERT का, कि ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए कौन सा सेल रिस्पॉन्सिबल है.
दैट इज अ टी लिम्फोसाइट्स। इसीलिए डॉक्टर्स क्या करेंगे मालूम है, हर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद थोड़ा सा है ना लो डोज में स्टीरॉइड टैबलेट्स चालू करते हैं। अब स्टीरॉइड टैबलेट्स क्या होते हैं, दीज आर इम्यूनो सप्रेसेंट। इम्यूनो सप्रेसेंट यानी इम्यूनिटी को शांत करेगा, यानी वो जाके टी लिम्फोसाइट्स को समझाएगा ना कि भाई शांति रखना, भले टीके कहीं और दूसरे यहां से आया है बट काम तो वही कर रहा है ना। लेट अस से सपोज फॉर एग्जांपल कि बिल्डिंग का जो स्वीपर है ठीक है वो बीमार हो गया, अब दूसरा स्वीपर आया फॉरेन कंट्री से राइट, तो हम लोग बोलेगा अरे ये तो यार अपना आदमी नहीं है, कोई दूसरा आदमी आ गया, बट काम तो वही कर रहा है ना। जैसे किडनी एक्सक्रीशन का काम कर रही थी तो दूसरा किडनी भी वही काम करता है, तो स्टीरॉइड्स क्या करते हैं, इम्यूनिटी को शांत करते हैं। इतना समझा बच्चों? ओके चलो इसको एक बार देख के रिवाइज कर लो और इसका एक फोटो क्लिक कर लो। अच्छा मेन मेन पॉइंट्स रिपीट करते हैं, सब लोग ध्यान दो यहाँ पे। पूरा टॉपिक किस पे चला बेटा, इम्यूनिटी पे। लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट पहले रिपीट करते हैं ठीक है। इम्यूनिटी के कितने टाइप पड़े बेटा, दो। अच्छा एक था इननेट इम्यूनिटी और दूसरा एक्वायर्ड। ओके दोनों में से किसका नाम आफ्टर बर्थ है, एक्वायर्ड वाले का। ओके और दोनों में से इनबॉर्न वाला कौन सा है, इननेट। ओके दोनों में से नॉन अडैप्टिव और नॉन स्पेसिफिक कौन, करेक्ट। और अडैप्टिव और स्पेसिफिक कौन, एक्वायर्ड। ओके इननेट इम्यूनिटी में आपने चार बैरियर पढ़े, अक्वायर्ड इम्यूनिटी को दो तरीके से तोड़ा आपने, पहले आपने एक्टिव और पैसिव पढ़ा, उसके बाद आपने पढ़ा सी एम आई और एच आई। सी एम आई का फुल फॉर्म, वेरी गुड, और एच आई का फुल फॉर्म, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड और ह्यूमोरल में से किसमें टी लिम्फोसाइट्स फाइट करेंगे, सेल मीडिएटेड में। तो फिर ह्यूमोरल में कौन फाइट करेगा, बी लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट एमसीक्यू, टी लिम्फोसाइट्स के कितने टाइप हैं, चार। नंबर वन हेल्पर, नंबर टू क्लियर, नंबर थ्री नंबर फोर मेमोरी। सबको याद है। अच्छा किसका दूसरा नाम साइटोटॉक्सिक सेल किलर, किलर का। अच्छा कौन सा वाला सेल लिम्फोकाइंस छोड़ता है, हेल्पर। परफोरिन किससे निकलता है बेटा, किलर से। किलर को शांत करने का काम किसका, ओके। और सेकेंड इन्फेक्शन के लिए उस इन्फेक्शन को याद कौन रखता है, मेमोरी। इसको ऑन वर्ड्स में थियरी में डिस्क्राइब कर लोगे ना, ओके। नीट में ना कट टू कट एमसीक्यू आते हैं, वो डायरेक्ट स्ट्राइक हो जाएंगे बेटा। अच्छा फिर हमने ये देखा कि अगर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी हो रही है तो कई बार क्या होता है, ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाता है। तो ये ग्राफ्ट रिजेक्शन बी सेल्स करवाते हैं कि टी सेल्स, एच आई करवाता है कि सी एम आई करवाता है। सी एम आई का फुल फॉर्म, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसीलिए ऐसे टाइम पे ट्रीटिंग डॉक्टर हमेशा कौन सी टैबलेट स्टार्ट करेगा, लो डोज स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स विल एक्ट एज इम्यूनो सप्रेसेंट, यानी वो आपके इम्यूनिटी को शांत करेगा, सो टी लिम्फोसाइट्स लड़ नहीं पाएगा। अच्छा बट उसमें एक खतरा है ना, अगर आपका इम्यूनिटी शांत हुआ तो कोई दूसरा बैक्टीरिया घुस जाएगा, तो डॉक्टर और क्या करते हैं इसके साथ साथ, और एक टैबलेट देते हैं एंटीबायोटिक। और अगर उनको खतरा है कि इसको फंगस हो सकता है तो एंटी फंगल टैबलेट्स भी देंगे बेटा। सो उस तरह से टैबलेट्स और कैप्सूल चला के रखते हैं, यानी डॉक्टर्स क्या करते हैं मल्टीपल कवरेज में रखते हैं पेशेंट को। इतना समझा बेटा? चलो दो सवाल और। ये जो टी लिम्फोसाइट्स में टी बोलते हैं, टी का क्या फुल फॉर्म है, थाइमस। थाइमस इज सिचुएटेड वेयर, अबाउ द हार्ट, याद है, एंड इट विल डीजेनरेट आफ्टर प्यूबर्टी। बी लिम्फोसाइट्स में बी का फुल फॉर्म बोन मैरो। एक एक्स्ट्रा नॉलेज याद रखो, बोन मैरो दो तरह का होता है, येलो बोन मैरो और रेड बोन मैरो।
येलो बोन मैरो सिर्फ और सिर्फ फैट्स बनाता है और रेड बोन मैरो ब्लड सेल्स को बनाता है। ब्लड से रिलेटेड कोई भी सेल्स रहेगा ना वो रेड बोन मैरो में बनता है। इतना समझा सबको? ओके, अब तीन टॉपिक कवर करेंगे और सुनना ध्यान से। पहले ना मैं एंटीबॉडी सिखाऊंगा तुम, वो जो बी लिम्फोसाइट्स है ना, वो बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी बना रहे थे, तो पहले एंटीबॉडी के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग एक सेक्शन पढ़ेंगे, छोटा सा सेक्शन, जो एलर्जी से रिलेटेड रहेगा कि एलर्जी में हमारे बॉडी में क्या क्या होता है। और फिर एक लास्ट सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे ऑटो इम्यून डिजीज। कौन सा बच्चों? ऑटो इम्यून डिजीज, जहां हम लोग ये सीखेंगे कि बॉडी कभी कभी खुद ही को डिस्ट्रॉय करता है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं थियरी के हिसाब से अगर हमसे पूछा, शॉर्ट नोट ऑन ए बी, बोले तो एंटीबॉडी, इसी का दूसरा नाम है आईजी, दैट इज इम्यूनो ग्लोब्यूलिन। इम्यूनो ग्लोब्यूलिन से रिलेटेड पहला पॉइंट यहां फिनिश करते हैं। ये जो आईजी है इम्यूनो ग्लोब्यूलिन, ये टोटल पांच अलग अलग टाइप्स का होता है बेटा, दैट इज IgA, IgD, IgE, IgG और IgM। दीज आर नेम्ड आफ्टर फिजिक्स लेटर्स, A से अल्फा, D से डेल्टा, E से एप्सिलॉन, G से गामा, M से म्यू। लेटर्स याद रखो, एक लास्ट बार रिपीट करते हैं, फास्ट बोलिए बच्चों। A से अल्फा, D डेल्टा, E एप्सिलॉन, G गामा, M म्यू। इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं और अपने बायो के ट्रिक के हिसाब से द गेम याद रखो। आई जी इज ऑल अबाउट द गेम, दैट इज आई जी डी, आई जी जी, आई जी ए, आई जी एम, आई जी ई। तो ये पांचों को ये वर्ड में ही लपेट लेते हैं बेटा, द गेम। अब इन पांच में से अक्सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है आई जी जी पे। आई जी जी अकेला ऐसा एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है बेटा। प्लेसेंटा आप जानते हो, जो बच्चू है उसके पेट से अम्बलिकल कॉर्ड जुड़ी होती है, वो अम्बलिकल कॉर्ड जिस बैग लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होती है उसको प्लेसेंटा बोलते हैं। मदर का और कोई भी आईजी प्लेसेंटा के आर पार नहीं आ सकता, सिर्फ और सिर्फ कौन सा आईजी आ सकता है? आईजीजी। नेक्स्ट, इसी पे बेस्ड दूसरा एमसीक्यू ये है कि आईजीजी ज्यादातर बढ़ जाएगा कौन से इन्फेक्शन में? क्रॉनिक इन्फेक्शन। नेक्स्ट, आईजीएम ये ज्यादातर बढ़ जाता है कौन से इन्फेक्शन में? अक्यूट इन्फेक्शन में। एंड लास्ट एमसीक्यू, अगर आपको एलर्जी है तो एलर्जी में आपके बॉडी में रिलीज होगा आईजीई। चलो बच्चों पहले ये नीट का पार्ट फिनिश कर लेते हैं। आईजी का फुल फॉर्म क्या है? इम्यूनोग्लोब्यूलिन। कितने टाइप के होते हैं? पांच टाइप के होते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है? द गेम में डी का फुल फॉर्म होगा डेल्टा, जी का, ए का, एम का और ई का। ओके, अब द गेम में से पहले आईजीजी पर फोकस करो। आईजीजी अकेला ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो किसको क्रॉस करता है? ओके, नेक्स्ट, कौन सा आईजी अक्यूट इन्फेक्शन में बढ़ेगा? आईजीएम। और क्रॉनिक इन्फेक्शन में? आईजीजी। और एलर्जी के टाइम पे? आईजीजी। परफेक्ट, इतना याद हुआ बेटा। ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी और आईजी। इसमें ना सबसे पहले डायग्राम इंपॉर्टेंट होगा, ये डायग्राम को हम लोग अल्फाबेट वाई शेप का ड्रॉ करेंगे बेटा।
So approximately, we will start with alphabet Y-shaped structure. फिर इसको हम लोग डबल करेंगे बेटा. अब जब इसको डबल किया जाएगा ना तो इसके अंदर गैप बना देना. अप्रोक्सीमेटली दो गैप बनाना बेटा. सेम यहां रिपीट करते हैं. ओके, तो अभी जो हमने बनाया ना बेटा, ये दोनों को बोला जाएगा हैवी चेन्स. क्या बोला जाता है इनको? हैवी चेन. और इस हैवी चेन में जो ऊपर वाला टुकड़ा है इतना, ये वाला पार्ट हर आईजी में अलग अलग होता है बेटा. इसको बोला जाता है वेरिएबल रीजन. क्या बोलना है बेटा इसको? क्योंकि ये वाला पार्ट बदलते जाएगा. जैसे आप सोचो, सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई चाबी. अब चाबी में बेजल वाला पार्ट तो ऑलमोस्ट सबका सेम रह सकता है, बट जो चाबी का टिप रहता है उसमें जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं वो हर चाबी का अलग अलग होता है. वैसे ही इतना पार्ट जो बाकी का पार्ट है बेटा, ये पूरा, ये सारे के सारे आईजी में सेम होगा. इसको मैं बोलूंगा कॉन्स्टेंट रीजन. क्या बोलूंगा बेटा? कॉन्स्टेंट रीजन. तो अभी तक हमने देखा कि ये वाई शेप है. सेकेंड हमने देखा कि ये दोनों हैवी चेन है बेटा, और इस हैवी चेन का ये नीचे वाला कॉन्स्टेंट रीजन है और ऊपर वाला वेरिएबल रीजन है. नेक्स्ट, फिर इसके बाद बेटा इसकी लाइट चेन आएगी. अब लाइट चेन इसके सामने ही ड्रॉ करेंगे और ऑलमोस्ट कॉम्प्लीमेंट्री शेप का ड्रॉ करना बेटा. यहां देखो ध्यान से बेटा. सो इसका नेमिंग हो जाएगा दैट दिस विल बी लाइट चेन. सारी की सारी चेन्स डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होगी. सो बीच बीच में डबल सल्फर दिखाना बेटा, और ये दोनों भी आपस में डाई सल्फाइड से जुड़े होते हैं. ओके, नेक्स्ट, आंसर के हिसाब से आईजी के स्ट्रक्चर को लिखा जाता है कि आईजी इज H2L2. इसका मीनिंग है कि इसके पास है दो हैवी चेन और बेटा दो लाइट चेन. दोनों हैवी और दोनों लाइट चेन जो है वो पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है. पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन्स की बनी होगी. इस प्रोटीन में ग्लाइकोजन भी एडेड होता है, इसलिए इसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं. अब ये एमसीक्यू बनता है बेटा कि हर आईजी यानी हर एंटीबॉडी ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है. किसका बना होता है बेटा? ग्लाइकोप्रोटीन. नेक्स्ट, इस एंटीबॉडी का शेप कौन से लेटर की तरह है? वाई शेप. नेक्स्ट पॉइंट बेटा, हैवी एंड लाइट चेन्स आर कनेक्टेड बाय विच बॉन्ड बेटा? डाई सल्फाइड बॉन्ड. देखो इतना याद हो रहा है सबको? नेक्स्ट, जिस एरिया पे ये बेंड होता है उस एरिया को बोलना है हिंज रीजन. क्या बोलना है बेटा? हिंज रीजन. सो जहां से ये वर्टिकल जाके फिर बेंड होगा ना, उसको हिंज रीजन बोलना है. अब बात ऐसी है बेटा कि ये वाला जो शेप है ना, ये एकदम कॉम्प्लीमेंट्री होता है. सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बैक्टीरिया बॉडी में एंट्री मारता है, उस बैक्टीरिया का शेप लेट अस अज्यूम कुछ इस तरह का है.
एंड लेट अस से नेक्स्ट टाइम बॉडी में अगर एक वायरस एंट्री मारता है, एंड लेट अस से सपोज उसका शेप कुछ इस तरह है, तो देखो ना ये राउंडेड पार्ट में ये फिट होगा बेटा, इसलिए ये कहा जाता है कि एंटीजन जब एंटीबॉडी से जुड़ता है तो बनाता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। क्या बनाता है बेटा? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स टिपिकली किसकी तरह काम कर रहा है बेटा? करेक्ट। सो दिस इज लाइक लॉक एंड की मैकेनिज्म, यानी हर तरह के चोर के लिए स्पेसिफिक टाइप का पुलिस होगा। एंटीजन पे जो कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट होगा उसी का कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट एंटीबॉडी पे होगा। हर एक एंटीबॉडी दो तरफ से एंटीजन को पकड़ सकता है, इसीलिए हम लोग ये बोलेंगे कि एवरी एंटीबॉडी इज अ डायवेलेंट, जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं बेटा, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज बायवेलेंट। बाय मीन्स टू एंड वैलेंसी मीन्स कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो एक एंटीबॉडी दो एंटीजन को पकड़ सकता है बेटा। नेक्स्ट, ये जो टुकड़ा है बेटा, ये जो गैप है स्पेसिफिकली, ये गैप एंटीजन के ऊपर है कि एंटीबॉडी पे बेटा? एंटीबॉडी पे है ना। ओके, सो जो गैप एंटीबॉडी के ऊपर होता है उसको बोलते हैं पैराटो। क्या बोलते हैं बेटा? पैराटो। अच्छा, और ये हिस्सा देखो जो बाहर को निकल रहा है, इस वाले हिस्से को एपिटोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एपिटोप। अब ये एमसीक्यू में आता है कि एपिटोप किसके ऊपर मिलेगा? एंटीजन पे। और पैराटोप किस पे मिलेगा? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी इसको है ना, थियरी में है ना थोड़ा फैंसी इंग्लिश में आप डिस्क्राइब कर सकते हो कि दैट गैप और डिप्रेशन ऑफ द एंटीबॉडी विच एकोमोडेट्स द एंटीजन इज कॉल्ड एज अ पैराटोप। एंड the rounded part of the protein of antigen which will fit into the antibody, that rounded part is called as epitope. दूसरा तरीका याद रखने का ऐसा है, पैराटोप में पैरा यानी पैरेलल, पैरेलल वाले स्ट्रक्चर में जो है वो पैराटोप, और जो ऊपर से आके बैठेगा epi means above, right? तो ये आके इस पे फिट होने वाला है ना, तो इसके पास epitope है। इतना समझा? ओके, नेक्स्ट, आप ये समझ रहे हैं जो वाई शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, यही मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आपके इंफेक्शन से फाइट करता है, और इसी का दूसरा नाम है आईजी। और प्लस ये भी मेंशन करना कि ये आईजी के पांच टाइप होते हैं। ओके, इतना समझा सबको? यस। चलिए, देन लेट अस गो टू द सेकेंड टॉपिक, दैट इज, अच्छा बच्चों मुझे बताओ, एलर्जी जिस जिस मटेरियल से होती है उसको एलर्जेंस बोलेंगे। तो आपने क्या क्या सुना है, किसकी किसकी एलर्जी हो सकती है? ओके, जैसे मान लेते हैं, चलो ठीक है, खाने पीने में फूड और परफ्यूम, डस्ट, स्टडी, वो एलर्जी नहीं, वो आने वाली गरीबी है, याद रखो। ओके, अच्छा परफ्यूम हो गया, डस्ट हो गया, फ्लावर, स्मोक ना, यस। अच्छा फ्लावर में स्पेसिफिकली वो क्या होगा? पोलन ग्रेन्स होगा, बराबर है। एनसीईआरटी ने एक और वर्ड लिखा है, एनिमल डैंडर। डैंडर मतलब एनिमल के जो फाइन हेयर होते हैं बेटा वो। ओके, जिसके वजह से एलर्जी होगी उसको एलर्जेंस बोलने का। क्या बोलने का? एलर्जेंस। अब एलर्जी में सिम्टम्स के तौर पे सब लोग ध्यान से सुनना बेटा, देखो कुछ कुछ लोगों को अगर जनरल एलर्जी होता है ना, तो उनको डर्ट डस्ट के वजह से बार बार स्नीजिंग होगा। सेकंड, हद से ज्यादा नेजल डिस्चार्ज होगा बेटा, नाक से पानी आएगा ना, पक्का कि पानी से नाक आएगा? पानी से नाक, नाक से पानी आएगा, नेजल डिस्चार्ज। अच्छा इसके साथ साथ में इस इंसान को अगर लंग्स में एलर्जी हुआ, अस्थमा जैसा पेशेंट, तो इसको ब्रेथलेस होगा बेटा,
स्किन का एलर्जी हुआ तो स्किन पे रेडिश रैश आएगा बेटा. एलर्जी होने का मेन रीजन ये है, हमारे कनेक्टिव टिश्यू में एक सेल होता है जिसका नाम है मस्त सेल. याद है? ये जब फूटेगा तो क्या छोड़ता है? हिस्टामीन. हिस्टामीन. और आधे से ज्यादा एलर्जी हिस्टामीन की वजह से ही होती है. इसीलिए जब भी एलर्जी का इलाज करते हैं ओके, तो डॉक्टर या तो तुमको एंटी हिस्टामीन टैबलेट देगा, याद करो इसको, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, नंबर वन, या तो फिर एक इंजेक्शन देता है इमरजेंसी में, दैट इज एड्रेनालिन इंजेक्शन. और अगर लॉन्ग टर्म पे लो डोज में देना है तो डॉक्टर कैन ऑल्सो प्रिस्क्राइब यू स्टेरॉइड्स, क्योंकि स्टेरॉइड्स इम्यूनो सप्रेसेंट होते हैं तो वे एलर्जी वाले रिएक्शन को शांत कर देते हैं. और एलर्जी में ये भूलना नहीं है कि कौन सा आईजी निकलता है. आईजीई बोल, खाली ई ना बोल, आईजीई, दैट इज एप्सिलॉन. ओके, सो एलर्जी पे इन जनरल शॉर्ट नोट आया ना, तो ये मेन मेन पॉइंट्स कवर करना है. चलो सब लोग रिपीट करो, एलर्जी जिस वजह से होती है वो सब्सटेंसेस को क्या बोलना है? एलर्जी. एग्जांपल लिख लोगे ना? यस. ओके, सिम्टम्स में नंबर वन स्नीजिंग, नंबर टू एलर्जी, नंबर थ्री रेडिशेस, नंबर फोर रेडिशेस ऑन स्किन. अच्छा, कौन सा सेल? मस्त सेल. टूटेगा तो क्या छोड़ेगा? हिस्टामिन. उसके वजह से एलर्जी. ट्रीटमेंट में फर्स्ट टैबलेट एंटीहिस्टामिन, सेकंड टैबलेट एड्रेनालिन, थर्ड स्टेरॉइड, और कौन सा आईजी निकलेगा? आईजी. परफेक्ट, वेरी गुड बेटा. खाली थोड़ा प्यार से बोलो, आराम से. लास्ट, विच डिजीज? ऑटो इम्यून डिजीजेस. अच्छा बेटा, ऑटो मतलब रिक्शा ही चलाओगे? ऑटो मीन्स अ सेल. हाय गधा लोग. ऑटो मीन्स सेल. अच्छा ध्यान से सुनना, और इम्यूनिटी यहां पर क्या करेगी? डिस्ट्रॉय करेगी. इम्यूनिटी खुद को ही डिस्ट्रॉय करती है. यानी यहां पे आपका डब्ल्यूबीसी जो है ये कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन अपना आदमी है और कौन बाहर वाला आदमी है. होता ऐसा है कि कभी कभी बॉडी में कोई बैक्टीरिया घुसा. ध्यान से सुनो सब लोग, मान लो बॉडी में बैक्टीरिया आया, डब्ल्यूबीसी ने उसको हरा दिया, और डब्ल्यूबीसी ने पढ़ लिया कि इसके सेल वॉल में इस तरह का केमिकल. अब ये जो नया डब्ल्यूबीसी खास करके इसको मारने के लिए बनाया गया था, ये एंटीबॉडी था, इसने बैक्टीरिया को मार दिया. अब ये एंटीबॉडी सर्कुलेट हो रहा है पूरे बॉडी में. अब अगर ये किसी ऑर्गन के पास जाता है जहां ये देखता है कि उसी तरह का केमिकल, मान लेते सपोज ये जॉइंट्स के पास गया और जॉइंट्स में इसने देखा कि वही केमिकल है जो बैक्टीरिया के सेल वॉल में था, तो डब्ल्यूबीसी को लगता है कि यहां पर भी वो बैक्टीरिया छुपा है, तो ये जॉइंट्स को मारने लगेगा. इस बीमारी का नाम है रूमेटॉइड अर्थराइटिस. क्या नाम है बेटा? देखो बच्चों, इसमें ना जॉइंट्स में सूजन आता है. क्यों सोचो? क्योंकि अपना ही डब्ल्यूबीसी अपने ही नॉर्मल जॉइंट्स को मार रहा है. ऑटो इम्यून डिजीज, ये एक तरह का कंफ्यूजन. देखो सबसे कॉमन एग्जांपल ये मैंने तुमको 11th में भी बताया था. सपोज फॉर एग्जांपल बैंक में चोरी हुआ और उधर मर्डर भी हुआ, तो पुलिस ने वहां आके जब इंक्वायरी किया तो वहां के एक ऑफिसर ने बताया कि वो जो चोर था ना वो रेड कलर की शर्ट ब्लैक टाई पहना था, दाढ़ी था उसको. मेरी तरफ ऐसे ना देखो. अब कैसा है ना कि अवस्थी सर जब लेक्चर फिनिश करके गए तो भाई पुलिस पकड़ लिया, और पुलिस बोला कि भाई इस पूरे इंसिडेंट में तुम्हारा हाथ है. तो मैंने बोला मेरा हाथ क्लासरूम के बोर्ड पे था. सबूत है ना, ऑन रिकॉर्ड चालू है बेटा. ओके, सो अब ये क्या हो गया ना, पुलिस इज लाइक डब्ल्यूबीसी. पुलिस इज लाइक डब्ल्यूबीसी विच गेट्स कंफ्यूज्ड बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ.
लेट अस से सपोज फॉर एग्जांपल इस इंसिडेंट में जो भी बैक्टीरिया था उसका लुक मे भी अपनी जैसा था. सो जब एंटीबॉडी बैक्टीरिया को मारता है ना तो एंटीबॉडी तो नया नया आया है, अभी अभी बनाया गया है उस बैक्टीरिया के खिलाफ. तो बैक्टीरिया को मारते मारते याद रख लेता है कि ये बैक्टीरिया किस मटेरियल का बना है. फिर वो एंटीबॉडी घूम के जब ज्वाइंट्स के पास जाता है तो देखता है वही तरह का मटेरियल है, तो उसको लगता है कि ये चोर अभी भी वहां छुपा है, तो ये उधर मार मार के सूजन पैदा करेगा. आइटिस, आइटिस यानी सूजन ना, इन्फ्लेमेशन. इस बीमारी को बोलते हैं रियूमेटॉइड अर्थराइटिस. क्या बोलते हैं? रियूमेटॉइड अर्थराइटिस. जहां आपका ही इम्यूनिटी आपके ही नॉर्मल सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा, और यहां पर भी अपने को इम्यूनिटी को शांत करना है. तीनों में से कौन सा टैबलेट देना चाहिए? स्टीरॉइड्स. सो स्टीरॉइड्स अल्टीमेटली इम्यूनो सप्रेसेंट का काम करते हैं. ये समझे बेटा? चलो इसका फोटो ले लो. आपको आज की क्लास समझी ना सबको? Yes. पक्का ना? ओके Yes. Okay, तो देखो आज की क्लास में हमने स्टार्ट में इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा. ओके Yes. Okay? इम्यूनिटी में सबसे मेन टॉपिक था इननेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इननेट इम्यूनिटी के चार बैरियर्स थे बेटा. Yes. और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को दो बार क्लासीफाई किया, जहां स्टार्टिंग में हमने उसको एक्टिव और पैसिव के हिसाब से क्लासीफाई किया, और उसके बाद सी एम आई और एच आई के हिसाब से, या तो टी सेल लड़ेगा या तो बी सेल लड़ेगा. फिर उसके बाद हमने एक शॉर्ट नोट पढ़ा, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी. और फिर इसके बाद हमने एलर्जी का एक आंसर पढ़ा, और हमने ऑटो इम्यून डिजीज पढ़ा. अभी आप लोग का होमवर्क ये है कि आप लोग एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रीड कर लीजिएगा नेक्स्ट क्लास, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग एक इन्फेक्शन स्टडी करेंगे, दैट इज एच आई वी एड्स. और फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे एडोलेसेंस में, और फिर लास्ट टॉपिक ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे. सो नेक्स्ट क्लास में ड्रग्स कर, सॉरी ड्रग्स पढ़ेंगे. पढ़ेंगे समझ रहे? दैट्स ऑल फॉर टुडे. आप लोग इतना रीड करके आना, ठीक है? एंड यस, इफ यू लाइक दिस वीडियो यू शुड लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब. चलो थैंक यू सर.